हो गया कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है ये नहीं मालूम था, तो न्यूक्लियस की रेडियस मालूम करने के लिए क्या करना पड़ा, न्यूक्लियस के पास जाओ। तो पास जाने के लिए क्या करें हम, बस शेर के पास जाना है तो किसी सिंह को भेजो, हैं सौर प्रताप सिंह, सिंह तो एक सिंह को भेजते हैं। तो न्यूक्लियस पास जाने के लिए कौन तैयार हुआ, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल को नज़दीक ले गए। तो लिखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस, ये मेन टॉपिक है। पहले टॉपिक का मतलब देखिए, हम निकालना चाहते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हमने अल्फा रदरफोर्ड को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इतना बात बता दूंगा फेल क्यों हुआ, फेल ही होना तो क्या एक्सप्लेन करें, एक्सपेरिमेंट कर लिया उन्होंने। देखिए हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना चाहते हैं, तो न्यूक्लियस का रेडियस निकालने के लिए रेडियस के न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, तो अंदर जाने के लिए नज़दीक तो जाओ। बोले हम शेर हिबाड़े के अंदर चले जाएंगे, बोले नज़दीक तो जाओ, तो नज़दीक भेज रहे हैं हम। हमने क्या किया, ये हमारा न्यूक्लियस था, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारा कौन है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस किसका लेना है, गोल्ड का लेना है, तो इसमें न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा, प्लस का जेड ई, जेड है क्या एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस उसका गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79 होता है। हाँ लोग नहीं काहे बोलें, दूसरे बोलेंगे 79 तो हम कह दें हाँ सही बात है। हमने क्या किया, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल भेजा, इसमें कितना चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इसको जितनी एनर्जी हम दे सकते थे उतनी दिया, जितनी अब कितनी दे सकते उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसको हमने के काइनेटिक एनर्जी देके भेजा, जैसे ही आगे बढ़ा सामने कौन दिख रहा है, एक न्यूक्लियस जिसका चार्ज प्रोटॉन है बहुत सारे, इनके पास कितने हैं, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है, यहाँ कितने प्रोटॉन है, 79, इनको एनर्जी कौन सी दी, के, भयंकर धड़धड़ाते हुए आगे बढ़े, आगे देखा आज खड़ा है कौन, बब्बर शेर, ये भी शेर हैं, चीता विता भी हैं। ये जैसे आगे बढ़ते रहे इन भाई साहब के साथ इनका कैसा संबंध है, रिपल्सन का या डर कहिए, रिपल्सन कहिए। तो ये धीरे धीरे इनकी स्पीड क्या होने लगी, कम। अब ये नज़दीक जाएंगे तो रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और अगर आपको कहीं पर वर्क करना पड़ रहा है तो आपके पास एक और एनर्जी स्टोर हो रही है, वो कौन सी है, पोटेंशियल। तो ये गए 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 और यहाँ तक गए, और जिन्होंने भेजा था उनसे बोले अब तो आगे हम नहीं जा पाए, इनकी पूरी पूरी काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में, इतनी दूर तक ये पहुँचे। इस डिस्टेंस को माना हमने आर नॉट, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि न्यूक्लियस की रेडियस इससे कम रही होगी, तो हम ये निकाल सकते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी दूरी जा सकता है, ठीक है। तो लैंग्वेज समझ में आ गई, तो कुछ कहानी लिखा दिया जाए, जो हमने समझाया वो लिख देंगे कहानी में, ठीक है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ जब पहुँच गया, यहाँ कौन पहुँचा है, अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पर कौन है, प्लस जेड ई, अल्फा पर कितना चार्ज है, प्लस का 2e, कितनी दूर तक पहुँचा है, आर नॉट दूरी पर, ठीक है। तो अब बताइए अगर आर नॉट दूरी पर दो चार्ज रखे हुए हैं, प्लस जेड ई और प्लस 2e, Q1 और Q2, तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, 1/4 εr, ठीक है, यानी U हो जाएगा 1/4 πε0, Q1 बोले तो जेड ई, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज का जो वैल्यू होती है वो विद साइन लिखी जाती है, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और इनटू Q2 हो जाएगा 2e, अपान कहाँ तक पहुँचे हैं ये, आर नॉट, आर नॉट इज नॉट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छू नहीं पाए हैं, एक दूरी तक ऐसे, आपने देखा वो शेर के बारे में एक आध वीडियो आए, दूर तक ऐसे हाथ लिया, शेर भी कम चालाक नहीं था, देखता रहा एकदम से पंजा पकड़ लिया तो फिर आप छोड़वा नहीं सकते हैं, तो ये इसीलिए बहुत चालाक है, दूर आ गया। अच्छा ये किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी जितनी हमने दी थी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से अगर हम आर नॉट निकालें तो क्या निकलेगा, तो आएगा 1/4 πε0
टू जेड ई स्क्वायर अपान के, यही क्वेश्चन नंबर वन हो गया। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? आर नॉट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आर नॉट इज नॉट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर नॉट वो दूरी है जितने तक हम पहुंच सकते हैं, हम न्यूक्लियस को छू नहीं पा रहे हैं क्योंकि भयंकर इसका पॉजिटिव चार्ज है और मास भी भयंकर है, इसलिए ये भाई साहब इसके अंदर फिलहाल तो नहीं जा सकते। पहुंचे यहाँ तक, चार्ज भी होना चाहिए ना, चार्ज भी होना चाहिए ना। गामा जा करके मैंने ताकत तो दिखाओगे, चार्ज ही नहीं। ठीक है, दौड़ तो रहे, गुस्सा नहीं, तो क्या मतलब है? गुस्सा भी होना चाहिए, अभी गुस्सा पे बात बाद में बताएंगे। अब पहले अल्फा पार्टिकल का मास लिख लेते हैं, वो याद होना चाहिए, हमें याद नहीं क्योंकि केमिस्ट्री का मामला है। मास अल्फा पार्टिकल होता है 6.7 × 10^27, 6.7 × 10^-27 kg। जो वेलोसिटी हम दे सकते थे अल्फा को, जो दे सकते थे उस दौरान, वो थी 2.1 × 10^7, लगभग लाइट के बराबर, थोड़ी बहुत कम है, ये वेलोसिटी दी। तो एनर्जी कितनी दी आपने? हाफ एम अल्फा डू वी अल्फा का स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी हम दे के भेजे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाफ इधर देखिए, एम अल्फा कितना है? 6.7 × 10^-27, और v कितना दिया है? 2.1 × 10^7। ये याद करना पड़ेगा वैल्यू का होल स्क्वायर। हमने इसको कैलकुलेट किया, हमने तो ऐसे नकल मार के लिख दिया, 1.48 × 10^-12, इतने जूल एनर्जी हम लेकर के इसको भेजे हैं। किसके पास लड़ने के लिए? न्यूक्लियस की सेहत पहचानने के लिए, रेडियस पाना है। नहीं दे सकते क्या वेलोसिटी? हम जब लाइट के बराबर देने में सक्षम हो गए तो इसकी बात कर रहे हो। अब तुमको वेलोसिटी मोटरसाइकिल थोड़ी दिखाई पड़ेगी, तो बहुत पुरानी बात है ना? बहुत पुरानी बात है, उस समय डेवलपमेंट हो गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बहुत पहले ईजाद कर चुके थे, अब नई नई बातें आ रही हैं। वेलोसिटी हम देने में सक्षम थे, नोट कर लिया, पहुँचिए वहाँ तक। अब इस वैल्यू को उठाइए और एक क्वेश्चन नंबर वन में पुट कर दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर वन। तो वैल्यू क्या आएगी आर नॉट की? आर नॉट की वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या है? 9 × 10^9 × 2, जेड कितना है? 79, ई कितना है? 1.6 × 10^-19 का स्क्वायर अपान के कितना है? 1.48 × 10^-12, ये वैल्यू आई है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आई है आपकी 2.5 × 10^-14 मीटर, 2.5 × 10^-14 मीटर। देखिए जब 10^ की बात होती है, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू नेग्लेजिबल होती है। भाई आपने कभी पढ़ा है कि अंबानी के पास 2375 रुपया 76 पैसा है? उसमें कहा था इतने मिलियन, उसमें सैकड़ा भी तो होगा ना, सैकड़ा हजार इकाई नहीं होगी, होगी ना, लेकिन चूंकि वो 10^ में है उसकी वैल्यू, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो यानी कि किस ऑर्डर का ये वैल्यू है? 10^-14 ऑर्डर की। तो बताओ रेडियस न्यूक्लियस इससे कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। भाई आप न्यूक्लियस इतना बड़ा था ना, ये न्यूक्लियस था और आप जो पहुँचे हैं वो इतनी दूर पहुँचे हैं आर नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है वो 10^-15 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो लिखिए hence the radius of nucleus is of order 10^-15 meter।